राजिम माघी पुन्नी मेले का आज त्रिवेणी संगम में पुन्नी स्नान के साथ आज से भव्य मेले का आगाज हो गया है। तड़के सुबह 4 बजे से ही अंचल सहित दूर दराज से श्रद्धालु एक बड़ी संख्या में राजिम पहुंचकर त्रिवेणी में पुण्य स्नान और मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। त्रिवेणी स्नान और मंदिरों में पूजा का दौर सुबह 4 बजे से शुरू है, जो आज दिन भर जारी रहेगा। श्रद्धालुओं के राजिम पहुंचने का सिलसिला कल रात से ही शुरू हो गया था। प्राचीन मान्यता व किदवंती अनुसार आज भी एक बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहले त्रिवेणी में स्नान करते हैं और फिर नदी की रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद भगवान कुलेश्वर नाथ और भगवान राजीव लोचन के मंदिर दर्शन करते हैं। मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से बुरे कर्मों का नाश होने के साथ घर परिवार सुख समृद्धि की प्राप्ति होने की मान्यता है। आज का दिन का जो है वो बड़ा महत्व है। अब हमारे राजिम में छत्तीसगढ़ से नहीं पूरे भारत से भी लोग आते हैं जगह जगह से, और स्नान करके बालू का वो जो शिवलिंग बना के पूजा करते हैं और सब भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और क्या बोलना चाहूँगी, बाकी आप नज़ारा तो देख ही रहे हो मेरे पीछे में क्या है उसकी स्थिति। और मैं चाहूँगी कि जो नहीं आए हैं उनको भी अपने राजिम क्षेत्र में बुलाना चाहूँगी। सब आइए हमारे राजिम क्षेत्र में, जो लगा है उसका आनंद लीजिए और भगवान भोलेनाथ की सबकी मनोकामना पूरी करें। यही एक साथ श्री शिव नमस्ते। राजीव लोचन भगवान के आज जन्मोत्सव के हिसाब से आज माघी पूर्णिमा मेला मनाते हैं, तो सब दूर दूर से गांव से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर और अच्छा लगते है। मतलब ये देखें तो कि नदी में पूरा त्यौहार टाइप के लगते है, एकदम त्यौहार टाइप के लगते पूरा, और बहुत ही अच्छा लगते भाई। हमारे कुलेश्वर महादेव मंदिर में आते तब दर्शन करे बार यहाँ नदी में दिया जलाते, अपन अपन मनोकामना पूरा करे बार दिया जलाते नदी में और गंगा मैया में दिया छोड़ते, तो रेत अच्छा लगते। रेत के शिवलिंग भी बनाते हैं। हाँ, रेत के शिवलिंग बनाते, शिवलिंग बना के पूजा पाठ करते हैं। देखो हम जो करें ना अभी यहाँ पर है ना, तो बहुत अच्छा लगते भैया। कतेक भीड़ है आज, कतका भीड़ देखा था आज? भीड़ तो बहुत अच्छा है भैया, बहुत दूर दूर से गांव-गांव से बहुत आते, गांव-गांव छोटे छोटे गाँव से रात से 4 बजे 3 बजे से चालू हो जाते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। आज पूर्णिमा माघी पूर्णिमा आज जो स्नान चालू हुआ भगवान राजीव लोचन का, आज जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसके 15 दिन का भी कुंभ चालू हो गया, जिसमें आज पूर्णिमा स्नान करने से कोई पुत्रवान का, कोई धनवान का और कई ऐसा जिनका शादी वगैरह नहीं हुआ रहता है, वो सब स्नान करने के बाद शिव में जल चढ़ाने के बाद सभी का मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसा मान्यता प्राप्त है। स्नान ये हमारी परंपरागत, मतलब यहाँ माता सीता जो है इस दिन दर्शन करके कुलेश्वर अपने कुल के देव महादेव का दर्शन किए थे, पूजन किए थे, क्योंकि वो घर से बहुत दूर थी तो उसे अपने कुल देवता के रूप में स्थापित करके यहाँ राजिम में त्रिवेणी संगम में स्थापित करके उसे पूजा की थी और उसका पुण्य फल उन्हें मिला था। तब से यहाँ माघी पुण्य का आयोजन किया जाता है और यहाँ पूरे श्रद्धा भाव के साथ जब इसका पूजन किया जाता है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में माघी पुण्य का स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, धमतरी के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से भी श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पुण्य स्नान किया। गरियाबंद जिला ब्यूरो जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।